नमस्कार, मनु दिलसरिया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जीके से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला व स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है और स्थान होता है माउंट आबू। दक्षिणी राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? तो दक्षिणी राजस्थान की जलवायु होती है आर्द्र प्रकार की। किन जिलों की जलवायु अति आर्द्र है? तो अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है झालावाड़ और बांसवाड़ा में। किस जिले में वार्षिक विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो जैसलमेर में वार्षिक विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। मावट से क्या तात्पर्य है? शीतकालीन वर्षा। मावट से तात्पर्य होता है शीतकालीन वर्षा। इसमें जो वर्षा होती है, वर्षा के बूंदे होते हैं, उन्हें गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा किन मानसूनों से होती है? तो स्थान कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान में हिंद महासागर की ओर से जो मानसूनी पवने आती हैं उनसे होता है, हिंद महासागर की ओर से आने वाले मानसून से। पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है, यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो जहाँ वहाँ से वर्षा होती है, तो वो विक्षोभ की उत्पत्ति का स्थान कौन सा है? तो वो विक्षोभ होता है पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर। राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा होता है? तो राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन काल होता है अक्टूबर में। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है? तो वार्षिक वर्षा का औसत होता है 53 से लेकर 70 सेमी। राजस्थान का वार्षिक औसत है, तो इसमें आपको एग्जैक्ट ही याद करना है इसमें, क्योंकि बिल्कुल जो भी अभी जो पेपर आ रहे हैं उनमें बिल्कुल पास पास आ रहे हैं। तो 53 से 70 के मध्य राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत सबसे कम किस क्षेत्र में है? तो सबसे कम पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा होती है सबसे कम। तो वार्षिक वर्षा का औसत भी कहाँ होगा? पश्चिमी क्षेत्र में सबसे कम है। मावट का संबंध किस मानसून से है? तो पश्चिमी विक्षोभ, जो कहाँ आते हैं? भूमध्य सागर से। तो पश्चिमी विक्षोभों से है मावट का संबंध। नेक्स्ट है कि जून माह में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून दाब रहने का कारण क्या होता है? तो वायुदाब पेटियों के खिसकने के कारण जून के महीने में क्या होता है? राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में न्यून वायुदाब यानी कि लो प्रेशर रहता है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड, तो क्या पूछा गया है? राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है तो सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग, ये है कृषि जलवायु का सबसे बड़ा खंड। राजस्थान का कौन सा क्षेत्रफल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसूनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो राजस्थान का वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ से बंगाल की खाड़ी से भी वर्षा होती है और अरब सागर से भी वर्षा होती है सबसे ज़्यादा? तो वो दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पे अरब की खाड़ी भी वर्षा करती है और बंगाल की, अरब सागर भी और बंगाल की खाड़ी दोनों वर्षा करते हैं। मावट कौन सी फसल हेतु लाभदायक होती है? तो सर्दियों में मावट होती है, तो रबी की फसल के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। नेक्स्ट आता है कि वर्षा की मात्रा राजस्थान में किस दिशा की ओर कम होती जाती है? तो कौन सी दिशा है? पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो राजस्थान में वर्षा क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। तभी तो बीकानेर जैसलमेर में क्या होती है? वर्षा कम होती है। तो राजस्थान में हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो क्या होगी? वर्षा कम होती जाएगी। डॉक्टर कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो वनस्पति के आधार पर किया है डॉक्टर कोपेन ने। डॉक्टर टीवार्था ने जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो वर्षा के आधार पर किया है। थॉर्नवेट के अनुसार कौन सा जलवायु क्षेत्र सर्वाधिक है? तो थॉर्नवेट ने DAW दिया है, तो सर्वाधिक जलवायु क्षेत्र वाला होता है DAW। कोपेन के अनुसार अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो AW है अति आर्द्र क्षेत्र। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत इनमें से कौन से जिले आते हैं? तो उप आर्द्र जलवायु पूछिए आपसे, तो जयपुर, अलवर, पाली, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, ये सभी आएंगे। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? तो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में आते हैं श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, टोंक, दौसा, झुंझुनू, ये सभी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में आते हैं। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा है ना उसका, कोटा जिले का दक्षिणी पूर्वी भाग, तो उपरोक्त सभी है इसमें, झालावाड़ भी आएगा, बांसवाड़ा भी आएगा, कोटा जिले का दक्षिणी पूर्वी भाग अति आर्द्र जलवायु में आते हैं। पतझड़ वाली वनस्पति पाई जाती है, तो पतझड़ वाली वनस्पति कहाँ पाई जाएगी? उप आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती है पतझड़ वाली वनस्पति। निम्न में से सही कथन छांटिए, तो देखिए पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होती है, पश्चिमी राजस्थान में वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है, तो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु विषम होती है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में अधिक होती है। तो इसमें यह आएगा
कि पश्चिमी राजस्थान वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होता है। वार्षिक वर्षा की न्यूनतम अनियमितता वाला जिला कौन सा है? तो वार्षिक वर्षा की न्यूनतम अनियमितता वाला जिला होता है बीकानेर। अब देखो निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है? जाखम माई नदी की सहायक नदी है, सुकड़ी बनास की, कोठारी लूणी की, बाणगंगा चंबल की। तो जाखम होती है माई नदी की सहायक नदी। राजस्थान के वे दो जिले जिनमें से कोई नदी नहीं बहती है, तो कोई नदी बीकानेर और चिरचूरू में नहीं बहती है। वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, जो अपना जल कच्छ की खाड़ी में उड़ेल देती है, वह नदी कौन सी है? तो वह नदी होती है लूणी नदी। राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है, वह है, तो इसमें आपको याद रखनी है ट्रिक, मीठे पानी और खारे पानी की, सेलेसिलेट झील, फायर सागर झील, जनसमन झील और पंचभद्रा, तो इसमें आएगी पंचभद्रा। राजस्थान की वह नदी जो बंगाल की खाड़ी में जल को ले जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी होती है बनास। निम्न में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में है? तो जोग, मेनाल, धुआंधार और विस शिव समुद्रम। तो मैं पता ही आपको किस जलप्रपात राजस्थान में कौन सा है, मेनाल। राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? तो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र होता है बनास नदी का राजस्थान में। राजस्थान में अंतः प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नदी आती है घग्गर नदी। सांबर झील में आकर मिलने वाली नदी है, तो सांबर झील में मेडा और रूपनगढ़ दो नदियाँ आकर मिलती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल की उपलब्धता वाली नदी है, तो चंबल नदी है। सर्वाधिक सतही जल इसमें होता है चंबल नदी में राजस्थान में। राजस्थान में जिस नदी के द्वारा अवनाली का अपरदन सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो वह नदी है, तो वह नदी होती है चंबल नदी। चंबल नदी का प्रवेश राजस्थान के किस जिले में होता है? तो चंबल नदी प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में। चंबल नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से होता है? तो ये होता है मध्य प्रदेश से, और चित्तौड़गढ़ से क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले में है? और वह है, तो वह जिला चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। वहाँ पे ही राजस्थान ने क्या बनाया है, चंबल नदी पे चूलिया जलप्रपात बनाया हुआ है। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे नदी लंबी नदी है बनास नदी। खंबात की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदी है तो माही नदी है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की सीमा पर प्रवाहित होने वाली नदी है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा पर माही नदी प्रवाहित होती है। राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाही झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाही झील है सांबर झील। राजस्थान में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राजस्थान में मीठे जल की सबसे बड़ी झील है फतेह सागर। निम्न में से असंगत को छांटिए, पचपदरा, लूणकरण सर, कोलायत और डेढ़वाणा। तो इसमें कोलायत है, इसमें आपको मीठे पानी और खारे पानी की साड़ी के पल्ला पल्लू कुत्ता फाड़ी, तो इससे याद कर लेना, ये सभी खारे पानी की हैं, बाकी जो बच गई वो मीठे पानी की हैं। अजमेर की नाग पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? तो लूणी नदी का उद्गम होता है अजमेर की नाग पहाड़ियों से। सम्मिलित कीजिए, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल कि बेड़च नदी गोकुंदा की पहाड़ियों से, ठीक है, बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ियों से, कांतली नदी कहाँ से निकलती है? तो कांतली नदी निकलती है खंडेला की पहाड़ियों से, बनास नदी निकलती है खमनोर की पहाड़ियों से। निम्न में से किस नदी का स्थानीय नाम मसूरदी नदी है? तो कांकनी नदी है, उसका नाम मसूरदी नदी भी है, स्थानीय नाम है। कांकनी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहते हैं। मर्त नदी के नाम से विख्यात नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी है मर्त नदी के नाम से विख्यात। चमणवती कामधेनु के नाम से विख्यात नदी है तो चंबल है। चमणवती, चंबल को चमणवती भी बोलते हैं आम भाषा में, और कामधेनु भी बोलते हैं। जैसलमेर की भुज झील में गिरने वाली नदी है तो कांकनी नदी है, वो जैसलमेर की भुज झील में गिरती है। वन की आशा नाम से विख्यात नदी है तो वन की आशा है बनास। अब इसमें देखो वापिस है, सम्मिलित कीजिए। देखो इसमें बनास नदी है, बेड़च, कोठारी, खारी और मोरवेल सहायक नदियाँ बतानी है इसकी, नदी और सहायक नदी। तो बनास की बेड़च, कोठारी, खारी और मोरवेल। चंबल की है बनास, कालीसिंध, पार्वती और बामनी। माई की है सोम और जाखम। लूणी की है सुकड़ी, जवाई, बांडी और मेछड़ी। जवाई बांध किस जिले में स्थित है? तो जवाई बांध कहाँ पर स्थित है, पाली जिले में स्थित है।
राजस्थान में वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है, वो वर्ष भर प्रवाहित होती है। करक रेखा को दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो करक रेखा को दो बार पार करने वाली नदी होती है माही नदी। वागड़ व काठल की गंगा नाम से विख्यात नदी है, तो माही नदी वागड़ व काठल की गंगा कहलाती है। बिसलपुर बांध किस जिले में स्थित है? तो बिसलपुर बांध है टोंक जिले में स्थित। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बिसलपुर बांध होता है बनास नदी पर स्थित। जयपुर की बैराट पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो बाणगंगा निकलती है जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से। अभी मैंने बताया था ना उद्गम स्थल, और वो सम्मिलित कीजिए। बनास नदी कहाँ से निकलती है? तो बनास नदी निकलती है राजसमंद से। बाणगंगा नदी निकलती है आपकी जयपुर से, और सोम और जाखम नदी निकलती है उदयपुर से, और आपकी निकलती है कोठहरी खारी नदी निकलती है भीलवाड़ा से। बनास नदी कहाँ से निकलती है? राजसमंद से। बाणगंगा नदी निकलती है जयपुर से, सोम और जाखम नदी निकलती है उदयपुर से, और कोठहरी और खारी नदी आपकी निकलती है भीलवाड़ा से। रेतीली बालू मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? तो रेतीली बालू मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? तो निकलती है पश्चिमी भाग में। राजस्थान के किस जिले में कछारी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में कछारी मिट्टी नहीं पाई जाती है। राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो सवाईमाधोपुर में सर्वाधिक बीहड़ भूमि पाई जाती है। हाड़ौती पठार की मिट्टी है मध्यम काली। सर्वाधिक मिट्टी का कटाव किस नदी द्वारा होता है? सो सर्वाधिक मिट्टी का कटाव करने वाली नदी होती है चंबल नदी। लवणीय मृदा किस जिले में पाई जाती है? तो लवणीय मृदा पाई जाती है श्रीगंगानगर में, बाड़मेर में, जालौर में। भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, लवणीय मृदा को ऐसे याद कर लेना कि जहाँ पे खारे पानी की झीलें हैं सबसे ज़्यादा बाड़मेर, श्रीगंगानगर, जालौर इस तरफ में क्या पाई जाती हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नमक का है असर है, तो इसलिए लवणीय मृदा किस जिले में पाई जाती है? तो इस तरीके से आप याद कर लेना कि श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जालौर इस क्षेत्र में लवणीय मृदा पाई जाती है। भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कहाँ पे है? तो बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वहाँ पे भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी होती है, वो होती है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। रेंगती हुई मृत्यु की संज्ञा दी जाती है, रेंगती हुई मृत्यु की संज्ञा दी जाती है मृदा अपरदन और अपक्षरण की समस्या, ये दोनों हैं रेंगती हुई मृत्यु की संज्ञा। एरिडोसोल्स मृदाएँ राजस्थान की किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो उस शुष्क जलवायु क्षेत्र में एरिडोसोल्स मृदाएँ पाई जाती हैं। इनमें से किस मिट्टी में मटियारी मृदा की सभी विशेषताएँ पाई जाती हैं? तो वर्टिसोल जो मिट्टी होती है उसमें मटियारी मृदा की सभी विशेषताएँ पाई जाती हैं। एल्फीसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो एल्फीसोल्स मृदा होती है वो दक्षिणी पूर्वी जिलों में पाई जाती है। वायु अपरदन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? तो वायु अपरदन सर्वाधिक पश्चिमी क्षेत्र में होता है। वर्टिसोल्स मृदाएँ निम्न में से किन जिलों में पाई जाती हैं? तो अजमेर और नागौर में वर्टिसोल्स मृदाएँ पाई जाती हैं। राज्य में केंद्रीय भूक्षरण बोर्ड का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो जोधपुर कोटा में स्थित है। राजस्थान में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पे पाई जाती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो रेतीली मिट्टी अपने राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो केंद्र की योजना है इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है सूरतगढ़ गंगानगर की। राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई? तो 19 फरवरी 2015 को राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ हुई है। इन दोनों को याद रखना, करंट से भी संबंधित है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो केंद्र की योजना है इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? तो सूरतगढ़ गंगानगर से की गई है। और राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई है? तो 19 फरवरी 2015 को प्रारंभ हुई है। मृदा की क्षारीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मृदा की क्षारीयता को दूर करने के लिए हमें उसमें क्या मिलाते हैं? जिप्सम मिलाते हैं। मृदा की अम्लीयता व लवणता को दूर करने के लिए क्रमशः किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूना पत्थर और रॉक फॉस्फेट की। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं लास्ट के, कि मृदा की अम्लीयता व लवणता को दूर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? चूना पत्थर और रॉक फॉस्फेट, और क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें मिलाया जाता है यूरिया। और राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ हुई थी 19 फरवरी 2015 को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत सूरतगढ़ गंगानगर से हुई है। बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।